देखिए आपके सामने लाइव है ये, और ये देखिए कैसा नोट निकला है इस एटीएम से। अब पता नहीं ये चले या ना चले, कैसा नोट निकला ये देखिए। ये रहा जदिया का मेन बाजार, और इसी एटीएम से हमने निकाला है कैश, और कैश की हालत देखिए, एक नोट कितना घटिया नोट है, दाग लगा हुआ नोट है। अब देखिए यहाँ से ये पिच रोड होता है समाप्त, और ढलाई वाला रोड होता है स्टार्ट, और आप देखिए यहाँ पे ब्रेकर कितना ज़्यादा, कितना इरिटेटिंग हो जाता है, आप खुद देखिए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अखिलेश, और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं हूँ जदिया में, और आज मैं जा रहा हूँ घर। चूँकि दिवाली है, और अब आएंगे दिवाली के नेक्स्ट रोज यानी मंडे को आएंगे मॉर्निंग में। तो अभी मैं हूँ जदिया मेन बाज़ार में, और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम है। पहले जाते हैं एटीएम, और वहाँ से निकालते हैं कैश। अब पता नहीं कैश हो या ना हो, चल के पहले जाते हैं एटीएम और वहाँ से कैश निकालते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं अपनी मोटो ब्लॉक के साथ। और इस टाइम देखिए भीड़ कितनी लग रही है यहाँ पे, और चूँकि दिवाली का टाइम है धनतेरस का, और यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है हर जगह। तो सामने मुझे दिख गया है बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, चलते हैं उस एटीएम में, निकालते हैं कैश। देखें रश कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। ये रहा सामने एटीएम, चलते हैं एटीएम में, निकालते हैं कैश, और फिर आपसे मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग के मोड में। ये यहाँ का इंडिया एटीएम। थैंक गॉड यहाँ पे कैश अवेलेबल था। और ये बिट, ये कैश, ये देखिए कैसा कैश निकला है इसमें, ये देखिए पेंट वाला। देखिए आपके सामने लाइव है ये, और ये देखिए कैसा नोट निकला है इस एटीएम से। अब पता नहीं ये चले या ना चले, कैसा नोट निकला ये देखिए। और ये जो एटीएम है ये है इंडिया एटीएम है जदिया में। ये रहा जदिया का मेन बाजार, और इसी एटीएम से हमने निकाला है कैश, और कैश की हालत देखिए, एक नोट कितना घटिया नोट है, दाग लगा हुआ नोट है। फिर इंक लगा हुआ था कैश पे, वो इसी वाले एटीएम से निकला, इंडिया एटीएम है। और ये मंदिर है यहाँ पे, इस मंदिर के जस्ट बगल में है। अभी यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सुबह जब आया था तो यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, और इस टाइम में देखिए रौनक कितनी बढ़ गई है, चहल पहल देखिए। और दिवाली की वजह से यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये रहा जदिया का फेमस हनुमान मंदिर। जदिया के भीड़ भरे मार्केट से हम निकल चुके हैं, और अब चलते हैं घर की ओर। और शोरूम के आगे देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है। ये है हीरो का शोरूम जदिया का, और भीड़ देख। चले अब सीधा मिलते हैं आपसे पांडेपट्टी में। तो अभी चल रहा है नवंबर का महीना, और अभी भी उतनी ज़्यादा ठंड आई नहीं है। हालांकि अब मौसम को देख के लग रहा है कि जैसे धुंध सा आपको लग रहा होगा, और ठंडी ठंडी हवाएं आप
अब धीरे धीरे लगनी शुरू हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम अब आ चुका है, क्योंकि धूप नहीं है और आपको कुहासा सा लग रहा है पूरा। आगे और इस जगह पे पुलिस की गाड़ी यहाँ पे हमेशा लगी रहती है। चेहरे पे ताजगी, जो बना था एक साथी वो भी हम दो बातें हो सकती। बातों में हाथ बांध के उस चांद का मुकाबला, जिंदगी की राहों में ये आईने जो तुम्हें कम, तेरी आशिकी भी ये क्या करी तुम्हें खुदा ने जमाने में, मेरी नजर ने तुम्हें और के हम तो आपको जानम पसंद, तुम्हें कम पसंद करते हैं। ये है बघेली बाजार। खैर यहाँ के लोगों को तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते इस एरिया को उनके बारे में बता दूँ। उनके लिए है कि अभी हम गुजर रहे हैं बघेली बाजार से। बघेली चौक था पीछे, तो अभी सामने है पांडेपट्टी का पेट्रोल पंप और मेरी गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, तो जाके फ्यूल ले लेते हैं यहीं पे। खैर यहाँ से घर ज़्यादा दूर है नहीं, 4-5 किलोमीटर के आसपास है, फिर भी अभी जाके ले लेते हैं। तो हमने यहाँ ज़्यादा का पेट्रोल नहीं लिया, सिर्फ 520 का ही पेट्रोल लिया यहाँ पे, क्योंकि फिर आके बाद में डलवाएंगे, क्योंकि फुल मैं उस टाइम में कराऊंगा जिस टाइम मुझे इसका माइलेज टेस्ट करना होगा, तो उसे दोनों काम हो जाएगा, इसलिए भी मैंने फुल नहीं कराया। तो अब स्टार्ट होता है ये पांडेपट्टी का चाँप एरिया, और यहाँ का आप नज़ारा देखिए कितना शानदार लग रहा है। देखिए जिधर आपकी नज़र जाएगी सिर्फ हरियाली हरियाली। थोड़ी थोड़ी ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मौसम देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे कि ठंड का सीज़न आ चुका है। कोहरा सा लग रहा है, धुंध ऐसा, और बाइक पे आपको ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है। और अभी मैंने कुछ नहीं पहन रखा, सिर्फ हाफ टी शर्ट में हूँ। एंट्री हो रही है पांडेपट्टी में।
देखिए कोई इंडिकेटर नहीं है और सिर्फ सीधा रोड पे घुमा लिया। यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे आपको लोग, चाहे वो फोर व्हीलर वाले हो या टू व्हीलर वाले हो, ये तो इंडिकेटर कभी यूज ही नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि इस वाले रोड पे अगर आप हाई स्पीड में चलते हो तो आप रिस्क ले रहे हो कि कौन से कट से कौन निकल आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ भी एक कट है और अगर आप अपने लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो यहाँ से कोई ना कोई एंटर मार देगा। तो जब भी किसी आप हाईवे पे मिल रहे हो या क्रॉस कर रहे हो या हाईवे पे आप चढ़ाई हाईवे पे आप चढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट लेफ्ट राइट देख लेना चाहिए। अब जैसे ये भाई साहब को देखिए, इनका नज़र राइट नहीं है और सीधा एकदम रोड पे इन्होंने चढ़ा दी बाइक को। अब पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है स्पीड में वो कैसे कंट्रोल करेगा। और इन्हीं सब रीजन की वजह से इस वाले रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो ये रहा मुगला घाट, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे दो तीन कट, इतना ज़बरदस्त कट है, इतना डेंजर कट है कि वहाँ पे अगर आप संभल के ना जाओ तो रिस्क बढ़ हो जाता है एक्सीडेंट होने का। पहले तो रोड बनी हुई नहीं थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उस समय आप स्पीड अप नहीं कर सकते थे अपनी बाइक को, लेकिन अब चूंकि रोड हर जगह की बन चुकी है तो स्पीड में होने की वजह से ऐसे टर्न पे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। आगे है मुगला घाट का जो हटिया लगता है और मार्केट और मदरसा, और यहाँ से जो रानीगंज की दूरी है वो 17 किलोमीटर 17। अभी दो चार दिन के बाद हमें फिर से जाना है फारबिसगंज क्योंकि बाइक का इंजन लाइट, ये देख रहे हैं ये जल गया दोबारा से। अब पता नहीं क्यों जला है, लगता है किसी सेंसर में पानी चला गया इसी वजह से। ये रहा मदरसा और ये रहा मुगला घाट का मार्केट, देख लीजिए। पहले यहाँ पे एक या दो ही दुकानें हुआ करती थी आज से 10 साल पहले, अभी देखिए कितना डेवलप हो गया है। और ये जो नहर है, ये नहर भी मेरे घर तक जाती है, सीधा कनेक्ट करती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कच्ची सड़क है और दूसरी बात कि उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, इसलिए ये रास्ता लोग नहीं लेते हैं, हालांकि ये नज़दीक होता है। तो अब आगे है JBC चौक, जहाँ से हम लेते हैं हमेशा की तरह लेफ्ट, लेकिन अभी हम लेफ्ट नहीं लेंगे, जाएंगे खोजरी बाज़ार, वहाँ से लेना है घर के लिए कुछ हरी सब्ज़ी और ले कर फिर वापस से जाएंगे घर। तो अभी हम जाएंगे सीधे खोजरी की तरफ। पहले ये सब एरिया खाली हुआ करता था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको एक भी जगह खाली नहीं दिखेगा। यहाँ भी सब्ज़ी है, लेकिन चूंकि मैं जहाँ से सब्ज़ी लेता हूँ वहीं से लूँगा, मेरा जगह फिक्स होता है हर चीज़ का। और चूंकि उसके पास हमेशा ताज़ा सब्ज़ी मिलती है इसीलिए हमारा जगह फिक्स होता है, जो भी चीज़ लेता हूँ वो एक ही जगह से लेता है। आगे उस जगह पे जहाँ हम लेते हैं सब्जी, अब देखते हैं गोभी। तो यहाँ पे गोभी है 25, ले लेते हैं 2 किलो। तो अब हमारा सारा काम हो चुका है फिनिश, अब सीधा चलते हैं घर। मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा यहाँ से घर। हम JBC से मुड़ चुके हैं अपने घर के रास्ते की तरफ और यहाँ पे मुश्किल से यहाँ से अब लगेगा हमें 5 मिनट और उससे कम समय में पहुँच जाते हैं। लेकिन चूंकि ब्रेकर इतने ज़्यादा दे दिए गए हैं इधर, आपको चलिए आपको दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा ब्रेकर दिए गए हैं 100 से 150 मीटर की दूरी पे। तो ये तो खैर पिच रोड है, ये जहाँ पे ख़त्म होता है और वहाँ से जो ढलाई वाला जो सड़क है उस पर दिखाते हैं आपको कि कितना सारा ब्रेकर दिया गया, चलिए दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ से ये पिच रोड होता है समाप्त और ढलाई वाला रोड होता है स्टार्ट, और आप देखिए यहाँ पे ब्रेकर कितना ज़्यादा, कितना इरिटेटिंग हो जाता है, आप खुद देखिए। इतना ज़्यादा ब्रेकर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा इतना कम डिस्टेंस पे। ये देखिए ब्रेकर नंबर 1, ये था पहला ब्रेकर, और ये देखिए ये है आपका ब्रेकर नंबर 2 दूसरा,
और ये रहा ब्रेकर नंबर 3। अब बताइए इसमें आदमी इरिटेट ना हो तो क्या हो। ये रहा ब्रेकर नंबर 4। अभी और देखिए, अभी और बाकी है। ये रहा ब्रेकर नंबर 5। और जस्ट देखिए यहाँ पे ब्रेकर नंबर 6। और ये रहा ब्रेकर नंबर 7। और ये रहा ब्रेकर नंबर 8। ये रहा नौवां ब्रेकर, ब्रेकर नंबर 9। ये रहा ब्रेकर नंबर 10। और फाइनली अब आखिरी ब्रेकर बाकी है अभी भी, क्योंकि 11 ब्रेकर थे टोटल। और ये रहा ब्रेकर नंबर 11। अब आप ही लोग बताओ, अगर आप इस सड़क से आओ तो आप इरिटेट होगे कि नहीं होगे। चले अब हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं और अब अपने घर पहुंचने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।